हाय, आई एम शुभी। ये वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस में से एक है। मैं आज इस वीडियो में मुग्धा छापेकर की लाइफ से जुड़ी अनजानी बातें, उनके लाइक्स डिसलाइक्स सब कुछ शेयर करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। रीडर, राइटर, मूवी बफ, ड्रीमर, एक्टर, क्या कुछ नहीं है मुग्धा छापेकर। उनका मानना है कि हमारे दिलों में लाइफ को लेकर मौजूद ग्रेटफुलनेस ही मिरेकल्स करवाती है, और ऐसी ही प्यारी सी मिरेकल्स और हार्डवर्क से मिली जुली है मुग्धा की ज़िंदगी। 24 मार्च 1987 को मुग्धा का जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। उन्हें सब प्यार से बारबी बुलाते हैं, जो उनका निकनेम भी है। मुग्धा हमेशा से मल्टी टैलेंटेड रही है। पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट रहने की वजह से वो एक्टिंग फील्ड में भी बहुत छोटी सी उम्र में काम करने लगी थी। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई से ही कम्प्लीट की और डीजी रूपारेल कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स मुंबई से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट की। वैसे मुग्धा छापेकर ने अपनी एजुकेशन पूरी कम्प्लीट कर रखी है। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर्स डिग्री और हिस्ट्री सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री ली, बट अपना करियर एक्टिंग फील्ड में ही एस्टेब्लिश किया। महज 8 साल की उम्र में उन्होंने एक हिंदी मूवी आजमाइश से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था, और आगे जाकर एक मराठी मूवी द साइलेंस के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू लीड का अवार्ड भी मिला। दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होने वाले शो जूनियर जी में उन्हें फर्स्ट टाइम टीवी स्क्रीन पर देखा गया था, बट बाद में 16 सिंगार, क्या मुझसे दोस्ती करोगे, धरती का वीर योद्धा, पृथ्वीराज चौहान जैसे कई सारे टीवी शोज में उन्हें अब तक देखा जा चुका है। मुग्धा कहती है, वैसे तो सभी टीवी शोज उनके लिए खास है, पर पृथ्वीराज चौहान में सहयोगिता का किरदार उनके दिल के बहुत करीब रहा है। वो उनकी लाइफ का एक ऐसा किरदार है जिसे वो कभी नहीं भुला सकती। 2015 में उन्हें सतरंगी ससुराल शो में काफी टाइम बाद देखा गया था, और ये प्रोमिनेंट रोल उनके लिए बेहद खास इसलिए भी रहा क्योंकि उनके अपोजिट रवीश देसाई लीड एक्टर थे, जिनसे 16 दिसंबर 2016 में मुग्धा ने शादी कर ली, जिनके नाम का टैटू उन्होंने अपने हाथ पर बनवा भी रखा है, और दोनों की जोड़ी फैंस को बेहद पसंद भी है। 2019 से उन्हें कुमकुम भाग्य शो में प्राची मेहरा के रोल में देखा जा रहा है, जिसके फैंस दीवाने हो चुके हैं, और इस शो ने काफी अवार्ड्स उनके नाम भी कराए हैं। वैसे इन सब के अलावा वो कोको कोला, क्लिनिक प्लस जैसे कई टीवी कमर्शियल्स में भी नजर आ चुकी है। बात करें उनकी पसंद नापसंद की, तो मुग्धा को बुक्स पढ़ना सबसे ज्यादा पसंद है। उन्हें बुक्स के साथ कहीं भी बंद कर दो तो भी वो वहाँ आराम से सर्वाइव कर जाएंगी, और उनकी इसी बुक रीडिंग हैबिट की वजह से वो बहुत पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, मैजिक, मिरेकल्स, काइंडनेस, ग्रेटिट्यूड में दिल से बिलीव करने वाली इंसान कही जा सकती है। मुग्धा हमेशा से हार्ड वर्क और डेडिकेटेड लाइफ जीने में बिलीव करती रही है। वो कहती है कि हम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहे और वो हमें ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस हमें अपनी पूरी जान झोंक देने की हिम्मत रखनी चाहिए। एक्टिंग, रीडिंग के अलावा उन्हें डांसिंग एंड शॉपिंग भी बहुत पसंद है, और चाय भी। साथ ही नीना रिकी परफ्यूम उनकी फेवरेट परफ्यूम ब्रांड है। वो कुकिंग इतनी अच्छी करती है कि शेफ्स को भी पीछे छोड़ दे, तो है ना उनकी डिशेस माउथ वाटरिंग। मुझे कमेंट जरूर करना। लास्टली, उन्हें सोशल होना ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए ही वो अपनी प्राइवेट लाइफ के अपडेट्स सोशल मीडिया पर देना बिल्कुल पसंद नहीं करती, और अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट ही रखती है। पृथ्वीराज चौहान शो के दौरान उन्हें अजमेर से किसी एक अंकल ने बहुत सारा प्यार भेजा था, और वो मोमेंट उनकी लाइफ का सबसे बड़ा फैन मोमेंट था, जिसे वो आज तक नहीं भूली। साथ ही वीर शिवाजी भी उनके फेवरेट हैं। मैंने मुग्धा की लाइफ से ऑलमोस्ट हर वो पॉसिबल बात इस वीडियो में ऐड करने की कोशिश की है, जो उनके फैंस होने के नाते आपको पता होनी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अपनी नेक्स्ट सेलिब्रिटी रिक्वेस्ट लिखना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके मुझे अपना प्यार देना भी बिल्कुल मत भूलना। मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।